आवाज आ रही होगी सबको? तो नेटवर्क इशू के नाते डिस्कनेक्ट हो जा रहा है हमारा। ये प्रोग्राम है ठीक है, तो हम क्या लें, हम ले लें लेंथ इक्वल्स टू यूजर से हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट फंक्शन इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है। इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, हमें चाहना ये चाहना हमें चाहिए इंटीजर। तो हम क्या कर ले, इसकी टाइप कास्टिंग कर ले, इसकी हम टाइप कास्टिंग कर ले, है ना। ये हो गया लेंथ हो गया ठीक। अब इस लेंथ को हम प्रिंट करवा लें, या फिर अभी हम बाद में प्रिंट करवाएंगे, ब्रेथ भी साथ में लेंगे ठीक है। ब्रेथ इक्वल्स टू इंट फंक्शन इनपुट इंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ हो गया ठीक। और एरिया इक्वल्स टू डिफाइन कर ले यहीं पर, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है। अब हम प्रिंट करवा लें, पहले एक बार लेंथ को प्रिंट करवा लें, फिर ब्रेथ को प्रिंट करवाएं, और उसके बाद लास्ट में एरिया को। डिटेल्स ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, लेंथ इक्वल्स कॉमा लेंथ, लेंथ फंक्शन को प्रिंट करवा दो ठीक है। इसी तरह ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू कॉमा ब्रेथ, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ ठीक। अब हम एरिया को प्रिंट करवाएं, तो प्रिंट एरिया इक्वल्स टू कॉमा एरिया, है ना। जी आ गया, कंट्रोल एस से सेव किया, आज के डेट से हम सेव कर लेते हैं 21st अक्टूबर.py ठीक। F5 से रन करवाएं, इंटर का लेंथ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 10, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 20, लेंथ इक्वल्स टू 10, ब्रेथ इक्वल्स टू 20, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 200, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 200 हो गया ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें लेंथ और ब्रेथ, जो इसके पहले जो प्रोग्राम बताया गया था, इसके पहले जब एरिया का प्रोग्राम बताया गया था, तो उसमें क्या था, उसमें लेंथ और ब्रेथ जो है यूजर लेंथ और ब्रेथ जो है वो वैल्यू दे दिया गया था, मतलब एक बार 10 दे दिया गया था और एक की वैल्यू 20 दे दिया गया ठीक। हम यूजर से वैल्यू ले कुछ भी और उसके बाद इसको रन करना है, वो कहलाता है values taken by the inputs taken from the user ठीक है। फिर से इसको रन करवाएं, कंट्रोल एस से किए, F5 प्रेस किए, 35 37 कुछ भी, इंटीजर है तो केवल इंटीजर लेगा, इंटीजर है तो केवल इंटीजर लेगा, देखिए चाहे अगर हम 42.5
36 करते हैं तुरंत यहाँ एरर आता है बेस 10, ठीक है। इसका मतलब इंटीजर है तो केवल और केवल क्या लेगा, इंटीजर लेगा, ठीक। एक प्रोग्राम ये था। अब देखो दूसरा प्रोग्राम एक और है, दूसरा प्रोग्राम एक और है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड वन इंटीजर एंड फ्लोटिंग टाइप नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू एड वन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू एड वन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर, जिसमें एक इंटीजर लेना है और एक फ्लोट लेना है, एक इंटीजर लेना है और एक फ्लोट लेना है, और उन दोनों वैल्यू को हमें ऐड करना है, उन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो बस वही इंटीजर करेंगे, फ्लोट कर दिए भाई। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एक इंटीजर लेना है और एक क्या लेना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, ठीक। अटेंडेंस इसमें से एक लोग जो है कोई भी, सीआर कौन है, सीआर कौन है इसमें से, सीआर है इसमें, अगर है तो चैट बॉक्स में। अच्छा सबके बारे में तो ठीक है, अटेंडेंस का स्नैपशॉट हमको भेज दीजिएगा, नंबर पता ही होगा तो अटेंडेंस का स्नैप हमको भेज देना, ठीक है। तो ऐसे अटेंडेंस नहीं लगेगा, बोलते रहो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, मुझे बोले हम इसे शिवम ऋषभ तिवारी से तो वो अटेंडेंस भेज देगा। तो नम वन इक्वल्स टू हमें क्या लेना है, हमें लेना है इंटीजर, पहला नंबर इंटीजर टाइप में, पहला नंबर इंटीजर टाइप में और दूसरा नंबर फ्लोट टाइप में। इन दोनों को लेके हमें क्या कर देना है, इन दोनों को लेके हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन विच वन इज इंटीजर एंड अनदर इज फ्लोटिंग टाइप नंबर, फ्लोटिंग टाइप नंबर, ठीक है। तो एक इंटीजर और दूसरा फ्लोटिंग टाइप नंबर। देखिए इंटीजर हो गया एंड क्या यूज करेंगे, इनपुट डेटा टाइप, इनपुट डेटा टाइप, ठीक है। प्लीज इंटर इंटीजर नंबर, कुछ भी हम मैसेज उसको दे दें, इससे सामने वाला यूजर समझ जाए, इससे सामने वाला यूजर ये समझ जाए कि वो कौन सा डेटा टाइप चाह रहा है, वो कौन सा डेटा टाइप चाह रहा है, ठीक है। तो नंबर वन वन इक्वल्स टू इंटीजर, इनपुट फंक्शन इंटर इंटीजर नंबर, ठीक। इसी को प्रिंट कर नहीं, अब उसके बाद फिर सेकंड वाला नंबर लेके तब प्रिंट करवाएंगे, सेकंड वाला नंबर लेके तब दोनों को प्रिंट करवा के उसके बाद उसका एडिशन कर देंगे, ठीक है। नम टू इक्वल्स टू फ्लो, फिर इनपुट फंक्शन, फिर इंटरफ्लोट नंबर, इंटरफ्लोट नंबर, ये हो गया, ठीक है। नम वन हो गया, नम टू हो गया, ठीक। अब इन दोनों को प्रिंट कर दें, प्रिंट इंटर इंटीजर इक्वल्स टू इंटर इंटीजर इक्वल्स टू कॉमा करके नम वन प्रिंट करवा दिए, ठीक। फिर प्रिंट सेकेंड नेम इंटर फ्लोट इक्वल्स टू फ्लोट इक्वल्स टू कॉमा, इसको हम प्रिंट करवाए नम टू,
ना टू को प्रिंट करवा दो, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, सम इक्वल्स टू, सम इक्वल्स टू क्या है, नम वन प्लस नम टू, सम इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, ठीक है। अब उसी सम को अब प्रिंट करवा दो, उसी सम को हम क्या करें, उसी सम को हम प्रिंट करवा दें, तो प्रिंट एडिशन ऑफ वन वन इंटीजर एंड वन फ्लोट इक्वल्स टू कॉमा, क्या प्रिंट करवाएं, सम को हम प्रिंट करवा दिए, सम को क्या किया गया, प्रिंट करवा दिया गया, ठीक है। नम वन इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर इंटीजर नंबर, नम टू इक्वल्स टू फ्लोट, हम डेटा टाइप कर रहे हैं फ्लोट रहे, फ्लोट रहे, तो उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप लगा दिया, ठीक है। फ्लोट इंटर फ्लोट नंबर, प्रिंट इंटर इंटीजर इज नम इंटर इंटीजर इंटर फ्लोट फ्लोट इक्वल्स टू नम टू, सम इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू, प्रिंट एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट इक्वल्स टू सम, ठीक। हम ये चाहते हैं कि ऊपर वाला प्रोग्राम ना रन हो, तो सबसे अच्छा है कि इसको हम कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन वो होता है कि प्रोग्राम में हम उसको लिखते तो हैं, प्रोग्राम में हम उसको लिखते तो हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता है। कंट्रोलर से सेव करते हैं F5 इंटर इंटीजर, जैसे ही हम अगर यहाँ पर लिखते हैं तुरंत एरर आ रहा है, तुरंत क्या आ जाए, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसलिए कंट्रोल एस से F5 जो वैल्यू मांग रहा है वही वैल्यू 25 इंटर फ्लोट नंबर 25, देखो 25 को ले लेगा या नहीं लेगा, ले लेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट फ्लोट में 25.0 हो गया, इक्विवेलेंट फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया 25.0 हो गया 25.0। उसके बाद एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट इक्वल्स टू 50, एडिशन ऑफ वन फ्लोट एंड वन इंटीजर इक्वल्स टू 50, ठीक है। फिर से कंट्रोलर से सेव किया, F5 प्रेस किया, इंटर इंटीजर 1 45 60.61 53.25, एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट इक्वल्स टू 698.25, ठीक। तो ये आपका आया एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट, एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट, ठीक। तो ये प्रोग्राम हो गया। आप देखिए इसके आगे, अगर इन सब इन अगर किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत आप चैट बॉक्स में लिख के पूछेंगे, अगर किसी प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख के तुरंत पूछेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछना है तो तुरंत आप उसको पूछेंगे, ठीक। नम वन को नहीं, तो नम वन जो नम वन तो हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं ना, तो उसमें फ्लोट कहाँ करेंगे, नम वन तो हम इंटीजर है ना, वन इंटीजर एंड अ फ्लोट पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो नम वन जो है वो नम वन जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप की टाइप कास्टिंग कर दी है, ठीक। आप देखो, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए, एक देखते हैं इसको बताते हैं, सबको दिख रहा होगा,
ये सबको दिख रहा होगा eval फंक्शन इन पाइथन, eval फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ अभी जो प्रोग्राम लिखा गया है, अभी जो प्रोग्राम लिखा गया है तो भाई अब ये क्या मतलब हुआ इसका कि एडिशन ऑफ वन इंटीजर एंड वन फ्लोट। भाई यूजर क्या जान रहा है, यूजर जब प्रोग्राम यूज कर रहा है, यूजर जब प्रोग्राम यूज कर रहा है या वेबसाइट यूज कर रहा है या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वो ये क्या जानता है, कोई जानेगा क्या कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग फ्लोट पॉइंट क्या होता है, कोई जानेगा भाई? कोई नहीं जानेगा भाई। एडिशन ऑफ टू नंबर्स वो दो नंबर लिखा भाई, वो तो यूजर के ऊपर है ना, यूजर के ऊपर है कि उसका मन करे वो इंटीजर लिख दे, उसका मन करे भाई। अगर हम इंटीजर पे एरर आ रहा है, मान लो अगर फ्लोटिंग पॉइंट उसको इंटीजर इंटीजर लेना है और फ्लोटिंग पॉइंट एंटर किया तो अगर वहाँ एरर आ रहा है तो यूजर घबरा जाएगा, तब तो भाई यूजर परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, हम एक नंबर लिख रहे हैं और ये एरर आ जा रहा है, ठीक ठीक है। तो एक फंक्शन यूज होता है eval फंक्शन, इसका यूज होता है eval फंक्शन। तो अगर हम eval फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, eval फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। eval फंक्शन क्या होता है, eval फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी डेटा टाइप को यूज करता है या किसी भी डेटा टाइप के लिए चलेगा। अगर हम इंटीजर ले लें तो eval में इंटीजर भी एक्सेप्टेबल है, अगर हम फ्लोट ले लिए तो eval में फ्लोट भी एक्सेप्टेबल है, ठीक। तो अगर हम eval फंक्शन के यूज करके टाइप कास्टिंग कर दें, eval फंक्शन का यूज करके टाइप कास्टिंग कर दें, तब वो चाहे इंटीजर ले चाहे फ्लोट ले कुछ भी वैल्यू ले वो वैल्यू एड होगी, वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू दोनों को एक्सेप्ट करेगा, चाहे हम इंटीजर ले और चाहे फ्लोट ले वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये eval फंक्शन का काम होता है। तो eval फंक्शन पाइथन, तो टाइप कास्टिंग में अगर हम वहां eval लगा दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, eval फंक्शन जो है वो हर डेटा टाइप के लिए काम करेगा, हर डेटा टाइप के लिए काम करेगा, ठीक है। जैसे इतना अच्छा है कि भाई एडिशन ऑफ टू नंबर्स तो मेरे ऊपर है ना, हम क्या लिख रहे हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स तो मेरे ऊपर है कि हम उसको क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो eval फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें डेटा टाइप में कंफ्यूजन हो, अगर हमें डेटा टाइप में कंफ्यूजन है तो इसके लिए हम eval फंक्शन का यूज कर सकते हैं। eval फंक्शन इंटीजर भी एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट भी एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर भी एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगा, सारे डेटा टाइप के लिए वो चलेगा। तो बहुत अच्छा, कितना अच्छा है कि हम eval फंक्शन का यूज करें। तो एक प्रोग्राम इसी पे है, eval फंक्शन इन पाइथन, एक प्रोग्राम इसी पे है, बहुत अच्छा। eval फंक्शन का यूज हम करते हैं, कहीं भी कोई भी डेटा टाइप तुरंत हम eval लगा दें। भाई अगर किसी का हाइट हमें इंटर करना है, किसी का हाइट इंटर करना है तो कोई 5 फीट का है, कोई 5 फीट 2 इंच का है, कोई 5 फीट 3 इंच का है, तो इसके लिए कौन सा डेटा टाइप सुटेबल होगा, कौन सा फंक्शन यूज सुटेबल होगा, हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, eval फंक्शन, क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए, eval फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं eval फंक्शन, ठीक। देखिए राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिटेल्स एंटर्ड बाय अ यूजर That is name, age, gender and height, name, comma, age, comma, gender and height, ठीक है। ये प्रोग्राम हमें लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिटेल्स एंटर्ड बाय यूजर। अगर यूजर डिटेल एंटर कर रहा है
तो उसको प्रिंट करवा दिया जाए। और वो डिटेल क्या है, डिटेल ये है कि नेम इंटर करें, एज इंटर करें, जेंडर इंटर करें एंड हाइट इंटर करें। ठीक, तो इस प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या नेम ले लें, नेम इक्वल्स टू, नेम क्या होता है, नेम स्ट्रिंग होता है, तो कोई डेटा टाइप लगाने की जरूरत है नहीं। तो इनपुट फंक्शन हम यूज किए, इनपुट फंक्शन यूज किए, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक, नेम हो गया। उसके बाद नेम की बात क्या है, एज, एज है। अब देखो एज का क्या है, एज का क्या कॉन्सेप्ट है, एज जो है भाई वही बताए, कोई 5 फीट, कोई 5.5 फीट, कोई 6 फीट, कोई 6 फीट 2 इंच, है ना, ये हो सकता है। तो एज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, यूजर से इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन, इंटर योर एज, यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, डेटा टाइप का कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो। तो यहाँ हम इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, इवल फंक्शन, इवल लगा दिए। ठीक है, इवल फंक्शन लगा दिए, नेम हो गया, एज हो गया, फिर जेंडर, जेंडर चाहे वो मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप का, तो वो इनपुट जेंडर, इंटर योर जेंडर। ठीक है, तो क्या क्या था, नेम एज जेंडर एंड हाइट, नेम एज जेंडर एंड हाइट, हाइट में, अच्छा एज में हम मोटा बोल दिए, एज में वही चाहे 22.5 साल का कोई है, 22 साल 8 महीने का है, ठीक है, 23 साल का है, तो एज में लगा दिए हाइट। हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इवल फंक्शन होगा भाई, हाइट में भी कंफर्म है नहीं, तो हाइट में भी इवल फंक्शन, इनपुट इंटर योर हाइट, इंटर योर हाइट। ठीक है, ये हो गया इवल फंक्शन। ठीक, प्रिंट डिटेल्स इंटर बाय द यूजर, डिटेल्स इंटर बाय द यूजर, प्रिंट डिटेल्स इंटर बाय द यूजर, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रिंट किए, प्रिंट किए योर नेम एज, एक कॉमा करके इसको प्रिंट करवा दिए नेम को। ठीक, प्रिंट नेम के बाद एज, योर एज इक्वल्स टू, कॉमा करके इसको प्रिंट करवा दिए एज को। ठीक, फिर प्रिंट नेम इज जेंडर, योर जेंडर इज, करके हम किसको प्रिंट करवाएं, जेंडर। ठीक है, फिर प्रिंट योर हाइट इक्वल्स टू, योर हाइट इक्वल्स टू कॉमा हाइट। ठीक, अब हम इसको रन करवाना है, तो बस ऊपर वाले सेक्शन को कमेंट कर दें, जिसको कुछ प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेगा। अटेंडेंस आप बना लीजिए, क्योंकि 2 ही मिनट बचा हुआ है, तो आप अटेंडेंस बना लीजिए, जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो अटेंडेंस रेडी कर ले अपना। ठीक, F5, इंटर योर नेम, आलोक कुमार, आलोक अपना एंटर करते हैं, श्रीवास्तव, इंटर योर एज 30, इंटर योर जेंडर मेल, इंटर योर हाइट 5'6". आया डिटेल्स इंटर्ड बाय द यूजर, योर नेम इज आलोक कुमार श्रीवास्तव,
your age equals to 30, your gender is male, your height is 5.6, your height is 5.6, ठीक है? अब इस प्रोग्राम में किसी को कोई पूछना है तो वो पूछ ले। हम बात कर रहे हैं eval function in Python में, तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, अच्छा एक चीज ये देखो control s F5 enter your name, तो इसे लिखते हैं मान लो संदीप ले लिए, ठीक है? enter your age, age हम देखिए देखो ऊपर integer ले लिए, यहाँ float ले लिए, यहाँ float ले लिए, enter your gender मान लो male ले लिए, ठीक है? enter your height ऊपर integer ले लिए, ऊपर float लिए थे यहाँ integer ले लिए, ये हो चल गया, ठीक? तो कोई भी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप के लिए हम यूज करते हैं eval फंक्शन। अगर हमें डाउट हो कि कोई भी डेटा टाइप हमें यूज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं eval फंक्शन इन पाइथन। तो ये आपका eval फंक्शन इन पाइथन था जो जो ये बताता है कि अगर हमें डेटा टाइप में डाउट हो, हमें ये लगे कि इसमें इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है, तो जितना भी पिछला प्रोग्राम करवाया गया, चाहे वो हाइट चाहे वो लेंथ एंड ब्रेथ का, तो उसके लिए हम कहें भाई लेंथ में कभी कोई 10 भी एंटर कर सकता है, किसी का लेंथ 10 भी हो सकता है, किसी का 10.5 भी हो सकता है, तो वो तो यूजर के ऊपर है ना, तो हम क्यों ना इवेल फंक्शन यूज करें, तो सारे का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इवेल फंक्शन इन पाइथन, ठीक है? तो आप अटेंडेंस भेज दीजिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। धन्यवाद।